लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोकियोमेट्री मीन्स वेयर द रेशियो ऑफ द कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इन केस ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्री दैट्स इट, स्टोकियोमेट्री ब्रेक्स. इसका मतलब रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन चेंजेस. वो सभी डिफेक्ट्स जिसमें डिफेक्ट आने के बाद कैटायन एनायन रेशियो चेंज हो जाए, सेम ना रहे, वो सभी डिफेक्ट्स कहलाते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो देखते हैं इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. डिफेक्ट अराइज इन सच अ वे दैट कैटायन एनायन रेशियो डू नॉट रिमेन सेम. जहाँ पर कैटायन एनायन रेशियो सेम ना रहे, इट बिकम डिफरेंट फ्रॉम आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉलिड. मतलब जो ये क्रिस्टल का एक आइडियल केमिकल फॉर्मूला है उससे ये चेंज हो जाता है. जस्ट सपोज अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं, FeO. अगर मैंने कहा एक सिंपल सा फॉर्मूला FeO, बट इट में एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ Fe.9301. मतलब ये आइडियल फॉर्मूला तो FeO है, बट इट कन्वर्टेड इनटू और इट एग्जिस्ट इनटू Fe.09301. ये क्या है, आज के ही टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. और ये कैसे अराइज हुआ, तो इसका रीज़न है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. जहाँ रेशियो कैटायन और एनायन का चेंज हो गया, यहाँ पर रेशियो था 1:1, यहाँ पर रेशियो चेंज हो चुका है. सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स नोन एज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें टू टाइप्स स्टडी करने हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. नेम से ही क्लियर हो रहा है, मेटल एक्सेस. मेटल एक्सेस का मतलब होता है जहाँ पर कैटायन का अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसे बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जहाँ पर कैटायन अमाउंट कम हो, उसे हम बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. अब यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह से अराइज हो सकता है. मेटल एक्सेस इट मीन्स कैटायन नंबर ज़्यादा होना. कैटायन का नंबर ज़्यादा कैसे हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा कैटायन हो, एक्स्ट्रा कैटायन वॉइड पोजीशन पर हो सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल लोकेशंस पर हो सकता है, या फिर एनायन लेस हो जाए. अब कैटायन और एनायन है, अगर एनायन कम हो जाता है तब भी तो मेटल एक्सेस है, या फिर एक्स्ट्रा मेटल आयन आ जाए इंटरस्टिशियल साइट्स पर तो वो भी मेटल एक्सेस है. तो हमें दो टाइप से मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ना है. बाय एनायन वैकेंसीज, इसका मतलब जब एनायन अपनी साइट को, अपनी लेटेस्ट साइट को लीव करके वहाँ से रिमूव हो जाए, तो इस टाइप से एनायन वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं और कैटायन इंक्रीज हो जाएगा, कैटायन नंबर इंक्रीज हो जाएगा. अब बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंटरस्टिशियल साइट्स पर वॉइड पोजीशंस पर एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस हो. तो हम दोनों के बारे में ही डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बाय एनायन वैकेंसीज, मैंने बोला एनायन वैकेंसीज. पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, इट रिप्रेजेंटिंग NaCl क्रिस्टल. अब NaCl क्रिस्टल से अगर हम सोडियम वेपर पास करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है सोडियम वेपर. अगर सोडियम वेपर पास किया गया, इसका मतलब सोडियम एटम्स हैं वहाँ पर. सोडियम एटम्स क्या कर सकते हैं, सोडियम एटम डिपॉजिट हो जाएंगे इस पूरे क्रिस्टल पर. और जब सोडियम एटम डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, वो एनायन को अट्रैक्ट करके एनायन के साथ कंबाइन हो सकते हैं. लेकिन अभी जब तक हमने सोडियम वेपर पास नहीं किया था, तब तक देखिए रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन वॉज सेम. इस केस में रेशियो ऑफ कैटायन एनायन वो एक एग्जैक्ट नंबर है, कोई चेंज नहीं है, एक एग्जैक्ट रेशियो है, सिंपल रेशियो है, होल नंबर रेशियो है, जो स्टोकियोमेट्री को शो कर रहा है. लेकिन जब सोडियम वेपर पास किया गया, तो सोडियम वेपर पास करने से क्या हुआ, सोडियम डिपॉजिट हुआ इस क्रिस्टल पर, और सोडियम ने क्या किया, क्लोराइड आयन की साइट को लीव कराया. इट्स मीन क्लोराइड आयन लीव इट्स साइट एंड देन आयनाइज सोडियम एटम. हुआ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, लेट सपोज मैं इस वाले क्लोराइड आयन की बात करती हूँ, क्लोराइड आयन लीव इट साइट लाइक दिस, और जब इसने अपनी साइट को लीव कर दिया तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. इन दिस प्लेस वैकेंसी क्रिएटेड. नाउ दिस एनायन, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है. दिस क्लोराइड आयन विल कम्बाइन विद द सोडियम एटम. पहले तो इसे आयनाइज कर देगा ये क्लोराइड आयन. सोडियम गेट आयनाइज इंटू Na पॉजिटिव एंड वन इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ Na पॉजिटिव कम्बाइन विद Cl नेगेटिव. नाउ वॉट हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दिस वेकेंट पोजिशन.
दिस N9 वैकेंसी, जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, इस N9 वैकेंसी की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, वैकेंसी क्रिएट हुई N9 के लॉस से, इसका मतलब N9 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कैटायन का साइज, कैटायन का नंबर इंक्रीज हुआ, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस एनायन ने सोडियम मेटल को आयनाइज किया, सोडियम मेटल आयनाइज होने से, सोडियम मेटल एटम आयनाइज होने से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दिस वैकेंट साइट। अब ये वाला जो साइट है एनायन वैकेंसी, जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है, इसे बोलते हैं एफ सेंटर। इसे क्या बोला जाता है, एफ सेंटर, दिस इज नोन एज एफ सेंटर। तो एफ सेंटर डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप इजीली बता सकते हो एनायन वैकेंसीज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन नोन एज एफ सेंटर। तो ध्यान रखना है, इस केस में एनायन वैकेंसीज बनती है, और एनायन वैकेंसीज की जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड एनायन वैकेंसीज को बोला जाता है एफ सेंटर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये पूरा क्रिस्टल कलर्ड नज़र आता है। तो यही रीज़न है जो NaCl है, NaCl के क्रिस्टल्स येलो कलर के नज़र आते हैं। वाई येलो कलर, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब वाइट लाइट एनर्जी, और जब ये वाइट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो रेडिएशंस जो एमिट होते हैं उन वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में होंगे, और यही रीज़न है NaCl का कलर हमें कैसा नज़र आता है, येलो। अगर यहीं पर हम एग्जाम्पल लें KCl क्रिस्टल का, इट लुक्स लाइक वायलेट कलर। लिथियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं, इट लुक्स पिंक इन कलर। तो यहाँ पर ये सभी क्रिस्टल्स कलर्ड हैं, और कलर्ड होने का रीज़न क्या है, एफ सेंटर। एंड व्हाट इज़ एफ सेंटर, एनायन वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन नोन एज एफ सेंटर। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए। तो इन दिस केस, इन एनायन वैकेंसीज क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। दूसरी चीज़, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ रहा है। इट मीन्स व्हाट, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड इंक्रीज, ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इंक्रीज। बात ये भी समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इट मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। तो हमने कितनी सारी चीज़ें देखी, इस एनायन वैकेंसीज की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से क्रिस्टल कलर्ड नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आप बता सकते हो ऑल दीज प्रॉपर्टीज अराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनायन वैकेंसीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए ये पूरा थ्योरेटिकल है। व्हेन सोडियम वेपर पास ओवर NaCl क्रिस्टल, जो मैंने अभी बताया कि सोडियम वेपर को पास किया जाता है NaCl क्रिस्टल से, देन सोडियम एटम डिपॉजिट ओवर NaCl, यही चीज़ मैंने आपको बताई। तो सोडियम एटम क्या हो जाएगा, इस NaCl क्रिस्टल पर डिपॉजिट हो जाएगा। इन दिस केस Cl नेगेटिव लीव इट साइट एंड कम्बाइन विद Na विच आयनाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चीज़ अभी हमने बात की। दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई वेकेंट स्पेस विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन Cl नेगेटिव, मतलब क्लोराइड आयन लीव इट्स लैटिस साइट। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा उस वैकेंट स्पेस को जिसे क्लोराइड आयन ने लीव किया है, एंड एनायन वैकेंसीज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन नोन एज एफ सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनायन वैकेंसीज जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करती हैं उन्हें बोलते हैं एफ सेंटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल्स आर कलर्ड, एंड दीज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम वाइट लाइट एनर्जी एंड इम्पार्ट कलर टू क्रिस्टल। हम इस सब के बारे में बात कर चुके हैं, और साथ के साथ हमने कलर्स के बारे में भी डिस्कशन किया, और ये भी डिस्कशन किया कि प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज एनायन वैकेंसीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट है बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट। अब ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा कैटायन, यहाँ पर नेम से ही क्लियर हो रहा है ना,
कि इंटरस्टीशियल साइट्स इट मीन्स वॉइड पोजीशन पर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, और अगर एक्स्ट्रा कैटायन आएगा तब भी स्टोक्योमेट्री ब्रेक हो जाएगी। इट मीन कंपाउंड कैसा होगा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक होगा, और मेटल कैटायन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसको सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी, और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मेटल कैटायन इंटरस्टीशियल साइट्स पर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो साइड बाय साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। वो कैसे मेंटेन रहेगी, सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज बैलेंस किया जाएगा सेम इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो हम पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिंक ऑक्साइड की। मैं आपको जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लेके बताती हूँ। ये वाइट है बट जब हीट किया जाता है तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट्स में क्या बात की, इस इफेक्ट में मेटल कैटायन ऑक्यूपाई कर लेते हैं वाइट पोजिशन, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स से, एंड दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइट्स और वॉइड कंडीशंस। देखिए, इन दिस इफेक्ट एक्स्ट्रा मेटल कैटायन ऑक्यूपाई वॉइड पोजिशन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अदर वॉइड पोजिशन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कंडीशन इज वॉट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। अभी मैंने आपको बोला एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड इज वॉट, वाइट, बट ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। हीट करने पर ये किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि हीट करने पर ये येलो कलर का हुआ, तो जरा देखते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया गया तो इसमें से क्या बना, Zn++ आयन बना, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनी और इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। देखिए क्या क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर जिंक कैटायन बन रहा है, दिस इज मेटल कैटायन, जिंक मेटल कैटायन, राइट। अब यहाँ क्या बना, इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस तो क्या हो सकती है, इट कैन एस्केप आउट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं Zn जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लेती हूँ तो किस तरह से होगा, Zn++ O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव लाइक दिस, अगेन O2 नेगेटिव, Zn2+। इस तरह से हम एक क्रिस्टल ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी से फास्ट में एक क्रिस्टल ड्रॉ कर देती हूँ। इन दिस मैनर जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल कैन बी ड्रॉन। ओके, अभी क्या हो रहा है, जब हीट किया गया इस क्रिस्टल को तो ऑक्सीजन गैस तो एवेपोरेट हो गई, या क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन इस क्रिस्टल में, कुछ एक्स्ट्रा जिंक कैटायन वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं वॉइड पोजिशंस। अब जब वॉइड में कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो हैंड टू हैंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की गई है बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए Zn++ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी बैलेंस्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक वॉइड कवर हुआ Zn++ से, रिमेनिंग 2 वॉइड्स बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ पर भी मेटल एक्सेस है, ठीक है, मेटल एक्सेस के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, मेटल आयन इंटरस्टीशियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जिस मेटल के चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो यहाँ पर भी अब रेशियो कैटायन एनायन चेंज हो चुका है, इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है, कैटायन टू एनायन रेशियो चेंज हो गया। अब क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। इन दिस केस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, और कंडक्टेंस किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से कंडक्टेंस है। तो ये हमने बात की एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट्स। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
क्या है ये मेटल डेफिशिएंसी? मेटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है जहाँ पर कैटायन नंबर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी, जहाँ मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए, इसका मतलब कैटायन का नंबर कम हो जाए। अब ये इफेक्ट कहाँ शो होता है? ये डिफेक्ट, इस वाले डिफेक्ट का इफेक्ट शो होगा उन सभी मेटल्स में जो वेरिएबल वैलेंसीज शो करती हैं, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये कहाँ देखेंगे हम? जो वेरिएबल वैलेंसीज शो करती हैं। एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे मैं आयरन ऑक्साइड, FeO, FeS, NiO, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर आयरन की वैलेंसी Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव बोथ आर अवेलेबल, दोनों ही पॉसिबल हैं, ठीक है। आयरन की वैलेंसी Fe2 पॉजिटिव भी और Fe3 पॉजिटिव भी, हम दोनों के ही साथ अभी बात करने वाले हैं। लेट सपोज आयरन ऑक्साइड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन ऑक्साइड में Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ये क्रिस्टल है इस तरह से, तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। अब क्या हुआ, लेट सपोज यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयन एस्केप आउट हुआ और उसका प्लेस लिया Fe3 पॉजिटिव आयन्स ने। मैंने आपसे क्या कहा कि इस टाइप के डिफेक्ट्स कहाँ अराइज होते हैं? जहाँ पर मेटल की वेरिएबल वैलेंसी हो। अब अगर लोअर वैलेंसी मेटल एस्केप आउट हो और उसकी जगह हायर वैलेंसी मेटल ले ले तो, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो 3 Fe2 पॉजिटिव विल बी रिप्लेस बाय 2 Fe3 पॉजिटिव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होगा, 3 Fe2 पॉजिटिव पर टोटल चार्ज कितना हुआ? +6। और 2 Fe3 पॉजिटिव पर भी टोटल चार्ज कितना हुआ? +6। इसका मतलब दीज 3 Fe2 पॉजिटिव आयन्स विल बी रिमूव्ड, दे विल लीव देयर लैटिसाइड एंड फर्दर Fe3 पॉजिटिव विल ऑक्यूपाई दिस प्लेस, बट वन वैकेंसी रिमेन वैकेंट, वन वैकेंसी विल बी क्रिएटेड। अब ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है, यहाँ पर डिफेक्ट अराइज हुआ, ठीक है। डिफेक्ट कैसे अराइज हुआ? लोअर वैलेंसी मेटल की जगह हायर वैलेंसी मेटल लेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा तो कुछ वैकेंसीज क्रिएट होंगी, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? मेटल डेफिशिएंसी। अब क्यों? मेटल की तो डेफिशिएंसी हो गई ना, पहले जो मेटल था, अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है मेटल आयन की जगह, इट मींस मेटल का नंबर डिक्रीज हुआ। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहाँ अराइज होता है, जहाँ पर मेटल वेरिएबल वैलेंसीज शो कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि स्मॉलर वैलेंसी मेटल एस्केप देयर साइट लैटिस साइट एंड हायर वैलेंसी मेटल ऑक्यूपाई दीज लैटिस पोजीशंस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और क्या क्रिएट हो जाती हैं? कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ध्यान रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ डिफेक्ट्स की। तो देखो, सपोज स्मॉलर वैलेंसी मेटल कैटायन लॉसेस इट्स लैटिस साइड एंड हायर वैलेंसी मेटल कैटायन ऑक्यूपाई वैकेंट पोजीशन बाय मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, व्हेन 3 Fe2 पॉजिटिव लीव देयर साइट एंड ऑक्यूपाइड बाय 2 Fe3 पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड विद द क्रिएशन ऑफ वैकेंट साइट्स, वैकेंसी, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने जाना मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायन वैकेंसीज से हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा कैटायन से हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट,
ये भी पूछ लिया जाता है N9 वैकेंसीज कैसे क्रिएट होती हैं, F सेंटर क्या होता है और N9 वैकेंसीज क्रिएट होने से कौन कौन सी कंडीशंस अराइज हो रही हैं। साथ ही साथ मेटल एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ये क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन भी है। जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट बट ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो, तो इसका रीज़न भी आप बता सकते हैं कि हीट करने पर सम ऑफ द एक्स्ट्रा मेटल कैटायन दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजिशन विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट टर्न्स येलो इन कलर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और साथ ही साथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट उन मेटल्स में होगा जहाँ पर वेरिएबल वैलेंसीज शो कर सकते हो और लोअर वैलेंसी मेटल दे लीव देयर साइट्स एंड हायर वैलेंसी मेटल्स ऑक्यूपाई दीज वेकेंट साइट बाय क्रिएटिंग वैकेंसीज, सच डिफेक्ट नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। इम्प्योरिटी नेम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करना है ना। आउटसाइड पार्टिकल्स, आउटसाइड सब्सटेंस व्हेन एडेड टू द क्रिस्टल लेटिस, तो इसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब कई बार इम्प्योरिटी अपने आप भी क्रिएट हो सकती है, कई बार हम बाहर से कुछ सब्सटेंस ऐड भी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। जैसे अभी हमने देखा था इन डिफेक्ट्स के होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसी तरह से कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है और उन प्रॉपर्टीज़ की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और क्रिस्टल लैटिस में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्योरिटी। आउटसाइड पार्टिकल्स की इम्प्योरिटीज़ जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर दे, इसे बोला जाता है डोपिंग। डोपिंग तो आप सबको पता है बहुत अच्छे से डोपिंग का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर डोपिंग मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल नोन एज डोपिंग। तो देखते हैं डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इम्प्योरिटी, एनी आउटसाइड इम्प्योरिटी कैन ऑक्यूपाई वैकेंट लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल पोजिशन। मतलब जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की है वो कहाँ कहाँ पर ऐड हो सकती है, या तो जो वैकेंट लैटिस साइट है वहाँ पर जाकर के अटैच हो सकती है या फिर इंटरस्टिशियल और वॉइड पोजिशन पर अटैच हो सकती है। और एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी दैट इज़ आउटसाइड पार्टिकल्स टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी नोन एज डोपिंग, इसे हम बोलते हैं डोपिंग। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी हमें पढ़ना है, एक तो आयनिक सॉलिड में पढ़ना है, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में पढ़ने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ जरा NaCl का। अभी हम मॉल्टन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल NaCl क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो NaCl क्रिस्टल अगर मुझे शो करना है तो मैं ऐसे 2D में तो ऐसे ही शो कर सकते हैं, तो हम NaCl क्रिस्टल इस तरह से शो कर रहे हैं। अभी क्या किया, NaCl क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड स्टॉक्योमेट्री इज़ मेंटेन्ड, इन दिस केस स्टॉक्योमेट्री इज़ मेंटेन्ड दिख रहा है यहाँ पर, है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसका मॉल्टन NaCl लिया, मॉल्टन NaCl में स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 ऐड कर दिया। देखिए SrCl2 एडेड टू द मॉल्टन NaCl और सडन कूल कर दिया। ध्यान से, मॉल्टन NaCl में स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 ऐड किया है, अगर ये SrCl2 ऐड किया इट्स मीन इट इज इम्प्योरिटी, ओके। और सडन कूल किया, कूल करने से क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्रिस्टलाइज होने पर क्या होगा, देखिए हमें पता है कि Na पॉजिटिव और Sr2 पॉजिटिव इनमें से Na पर सिंगल मोनोवेलेंट कैटायन है और Sr डाईवेलेंट कैटायन है। इट मींस अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है, एनी ऑफ द टू Na पॉजिटिव आयन विल बी रिप्लेस्ड बाय वन Sr2 पॉजिटिव कैटायन। मेरी बात समझ में आ रही है कि कोई भी दो Na पॉजिटिव कैटायन रिप्लेस होगा और उसकी जगह क्या ले लेगा, वन Sr2 पॉजिटिव कैटायन लेगा। चलिए देखिए क्रिस्टल भी बन गया, मैंने यहाँ पर दो वैकेंट साइट्स बनाई हैं। दो वैकेंट साइट्स बनाने का पर्पज़ क्या हुआ, टू Na पॉजिटिव आयन्स लीव देयर साइट एंड वन Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई इट्स पोजिशन। नाउ वैकेंसी इज क्रिएटेड, दिस इज द वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, वेन टू Na पॉजिटिव आयन लीव साइट्स एंड वन Sr2 पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई द पोजिशन, देन वन वैकेंसी विल बी क्रिएटेड।
ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हुए जब हम कुछ इस तरह की डोपिंग कर रहे हैं तो इस केस में वैकेंसी क्रिएट हो रही है और इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. किसकी, किसको हमने इम्प्योरिटी की फॉर्म में लिया है? SRCl2 को. SRCl2 ऐड कहाँ किया गया? NaCl में. तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इसी टाइप से अब जब वैकेंसीज क्रिएट हुई, इन दिस केस वैकेंसीज क्रिएटेड, अब जब वैकेंसीज क्रिएट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज. मैंने आपसे बोला था हम ये डोपिंग क्यों कराते हैं, जिससे कि इसकी प्रॉपर्टीज को हम एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें. तो इन दिस केस SRCl2 एक्ट एज इम्प्यूरिटी. ऐसी एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, AgCl डोप्ड विद कैडमियम क्लोराइड, CdCl2. Now what? Ag positive है and Cd has two positive charge. इसका मतलब फिर से दो Ag positive आयन replace होंगे, one Cd2 positive आयन से, और एक vacancy create हो जाएगी. तो इस type के defects को बोलते हैं, because ये ionic crystals में है इसलिए हमने इसे बोला impurity defect in ionic solids. अब इसके बाद impurity defect in covalent solids. आप covalent solids example ले सकते हैं, जैसे कि silicon, germanium, जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कोवेलेंट सॉलिड लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैं और जिनकी वैलेंसी 4 है. यहाँ पर हम डोपिंग किसकी कर सकते हैं? या तो हायर वैलेंसी हो या फिर लोअर वैलेंसी एलिमेंट हो. ओके, तो इस केस में कोवेलेंट सॉलिड के केस में हम हायर वैलेंसी या लोअर वैलेंसी एलिमेंट को एज इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ हमें दिखती हैं. देखिए, वी कैन ऐड हायर वैलेंसी और लोअर वैलेंसी एलिमेंट एज इम्प्योरिटी, सो टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर शोन. इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा? दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ हमें शो होंगी. डोपिंग किसकी कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, मैंने अभी बोला था हायर वैलेंसी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, या फिर हम कर सकते हैं लोअर वैलेंसी, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी होगा क्या. देखिए, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल से ही बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हो रहा है. लेट सपोज सिलिकन का क्रिस्टल है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं सिलिकन में, लाइक दिस. ओके, अब इसे डोप किया गया है 15 ग्रुप एलिमेंट. लेट सपोज हमने ले लिया आर्सेनिक. अगर आर्सेनिक से डोप कर रहे हैं तो मैंने ये कभी जगह छोड़ी है आर्सेनिक ड्रॉ करने के लिए, वहाँ पर इट इज़ आर्सेनिक, इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभी क्या होगा? Each silicon is bonded with 4 other silicon atoms in this manner. अब ये आर्सेनिक है तो ये आर्सेनिक से बॉन्डिंग है, बट देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हर एक सिलिकन के चारों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, बट आर्सेनिक के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस शेल में, सॉरी, आर्सेनिक के तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री. अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बिल्कुल है. तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर हम 14 ग्रुप एलिमेंट्स में जहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, कोई हायर ऑर्डर हायर ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हैं, जस्ट सपोज 15 ग्रुप एलिमेंट हमने ऐड किया, आर्सेनिक ऐड किया, तो उस केस में क्या नज़र आ रहा है? फॉस्फोरस भी ऐड कर सकते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है डीलोकलाइजेशन के लिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए. तो देखो, when 15 group element like phosphorus, arsenic are introduced as impurity, then some of the silicon and germanium atoms are replaced by the 15 group element. तो कुछ silicon atoms या फिर germanium का crystal लेते हैं तो germanium atom इनसे replace हो जाएंगे जो हमने dope किए हैं, so that one electron remain free, जिसकी वजह से electron free है and 4 are involved in bond formation. This free electron is available for delocalization and
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज. अब देखते हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इसका मतलब हम 13 ग्रुप एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. 13 ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, दे कैन बी डोप्ड टू द 14 ग्रुप एटम क्रिस्टल्स लाइक सिलिकन, जर्मेनियम. अब क्या होगा उस केस में, सपोज सिलिकन में ही डोप कर दिया गैलियम या फिर एल्यूमिनियम, उस केस में क्या नज़र आएगा, चलिए करके देखते हैं एक बारी. सिलिकन के साथ हमने डोप किया सपोज गैलियम, एंड गैलियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए बॉन्डिंग, बॉन्ड बना देते हैं. ईच सिलिकन इज़ बॉन्डेड विद 4 अदर सिलिकन एटम्स इन दिस वे. नाउ गैलियम हैज़ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स एंड 1 होल विल रिमेन. अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक होल बचेगा. देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, एक होल बचा. अब यहाँ सिलिकन पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. अब क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में फ्लिप कर सकता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल में फ्लिप कर जाएगा तो अब होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द होल. होल हम कह सकते हैं एक स्पेस जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन फ्लिप कर सकता है. अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप करने की वजह से होल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और यही रीज़न है कि डोपिंग जब की जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ की, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होने का रीज़न है क्रिएशन ऑफ द होल. तो ये था इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अभी हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट जाना आयनिक सॉलिड्स में और कोवेलेंट सॉलिड्स में. आयनिक सॉलिड्स में हमने बात की थी जैसे कि NaCl में अगर हम SrCl2 डोप कर देते हैं तो सम ऑफ द वैकेंसीज विल बी क्रिएटेड, जबकि कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना मस्ट है, नेसेसरी कंडीशन है. और कोवेलेंट सॉलिड्स में हमने जाना अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स में कुछ हायर वैलेंसी या फिर लोअर वैलेंसी एलिमेंट्स को एज इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो अगर हायर वैलेंसी एलिमेंट को ऐड किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और अगर लोअर वैलेंसी एलिमेंट ऐड करते हैं तो होल्स क्रिएट होंगे, और होल्स क्रिएट होने का मतलब भी वही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन जंप टू दीज होल्स एंड फर्दर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. Till then, goodbye.